बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। उत्तर प्रदेश के परासिया खदान में एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल है। परासिया अंतर्गत सियाल गोगरी खदान का यह मामला है। कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ। खदान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वही एक घायल है। अधिकारियों का कहना है कि रूफाल के कारण घटना घटित हुई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है और एक की मौत हो चुकी है, जिसका अभी पोस्टमार्टम छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में चल रहा है। इस खदान में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। काम चालू रहता है, इससे एक मजदूर की मौत हो गई और एक घायल है, जिसका बड़कुही अस्पताल में इलाज जारी है। अधिकारियों का कहना है यह एक प्राइवेट खदान है। अभी तक खदान के कोई अधिकारी छिंदवाड़ा जिला अस्पताल नहीं पहुंचे और परिजनों ने बताया कि अभी तक कोई अधिकारी उनके पास नहीं आए हैं। बोल इंडिया न्यूज़ के लिए झुन्नार देव से मोहम्मद मुजम्मिल की रिपोर्ट। क्वेश्चन आ रहा है, कोल माइंस में काम में करने गया था वो। कोल माइंस में क्या हुआ कि कोयला खिसला उसके ऊपर, तो 2-3 ट्राली कोयला खिसला हुई थी। जो लोग थे वहाँ पर उन लोगों ने बताया कि ऐसा था, उसके ऊपर कोयला खिसला, ठीक है। हम खदान वाले से बात किए तो खदान वाले बोलते कि ठीक है, वो ठीक है, नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है। जब हमने भाई से पूछे जो खदान में था, तो बोलते हुए नॉर्मल सीधे डेथ हुई है वहाँ पर, ऐसा बताया गया। और जहाँ पर लाते तक बोलते कि ठीक है, ठीक। उसके बाद ना खदान से किसी ने कुछ पता आया, घर वालों को भी ना कोई जानकारी दी गई, खदान वाले कोई भी नहीं आया। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया खदान का यहाँ पर कि कुछ पता करे, कुछ भी नहीं। खदान से कोई भी इंसान नहीं आया। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 5 बजे की घटना है और मेरे को शायद 6 बजे करीब पता चला था। 3 से 4 घंटे वो कोयले में दबा रहा, उसके बाद उसको यहाँ पर किसने लेके आया? यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में लेके आया गया है। अब मेरे को कोई नहीं आया, खदान का एक भी इंसान नहीं आया कि पता चले कि क्या हुआ था हमारे जगह। मुझे ये बताएं, आपका भाई जो खदान में गया था, तो क्या आपका भाई खदान में परमानेंट था या सिर्फ क्यों परमानेंट कोयला निकालने अभी जाता है? अभी जाना है। कितने दिनों से जा रहे थे? अभी तो जा रहा था, कल गया था वो, तो कल यहाँ था सुबह 5 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनी नाथ है। और भाई का क्या नाम था? हाँ, जिसकी डेथ हुई उसका नाम राकेश निकुल से। खदान में काम पे जाता था मेरा भाई, मुआरी की खदान में। तो वहाँ पे 7 बजे फोन आया मेरी बहन के पास। मेरी बहन ने बताई कि छोटू मलबे में दब गया है, खदान फिसलने से मलबे में दब गया है। इस कारण फिर हम लोग घर से निकले, पर रास्ते में फिर मवेशिया का फोन आया कि ख़त्म हो गया है, उसको छिंदवाड़ा अस्पताल ले जा रहा है। और फिर हम लोग छिंदवाड़ा आ गए यहाँ पे। कितने बजे की घटना ये? घटना कितने बजे की है? अभी 5 बजे बता रहा है घटना हुई है, मगर हमको 7 बजे पता चला और हमने यहाँ पे 8 बजे के आसपास लाश देखी। खदान की तरफ से अभी कोई आया है यहाँ पर? अधिकारी आए मगर हमसे कोई मिलके नहीं गए, देख के उसी को देख के गए। हमसे कोई मिलकर कोई भी अधिकारी नहीं गए। क्या नाम है आपका? मेरा बविंद्र कुमार निकोस है। भाई का नाम है? भाई का राकेश निकोस है। हाय, दिस इज राम जी गुलाड़ी और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़, सच देखेगा इंडिया।